Hello everyone, welcome to our YouTube channel Support to Learn. आज है 2 अक्टूबर 2019. 2 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? ये मनाई जाती है महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती. महात्मा गांधी जी की यह 150वीं जयंती है. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी की यह 115वीं जयंती है. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था. आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने रशियन ग्रांड प्री 2019 जीत ली है? ये है लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं. आज का थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं सुरेश छितुरी. सुरेश छितुरी आईईसी के अध्यक्ष बनने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं. आईईसी का मुख्यालय ब्रिटेन में है. आज का फोर्थ क्वेश्चन है, आईएएएफ विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दोहा में. आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश ने सैफ अंडर 18 का खिताब अपने नाम किया? ये है भारत. भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है. इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था. आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, 2 से 6 अक्टूबर तक किस शहर में गांधी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मुंबई में. यह महोत्सव महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह का एक हिस्सा है. आज का सेवंथ क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? यह है केरल. और सेकेंड नंबर पर है राजस्थान और थर्ड नंबर पर है कर्नाटक. उत्तर प्रदेश इस सूची में अंतिम स्थान पर है. आज का एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये है KS दत्वालिया. आज का नाइन्थ क्वेश्चन है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बाप्टा पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? ये है रियल कश्मीर FC. यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रीनगर के फुटबॉल क्लब पर बनी है. इसके निर्देशक ग्रेग क्लार्क हैं. आज का टेंथ क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को. इस बार की इसकी थीम है द जर्नी टू एज इक्वलिटी. आज का 11th क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जी की 150वीं जयंती पर यूनेस्को ने किसके साथ साझेदारी की है? ये की है दूरदर्शन के साथ. आज का 12th क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कार्यालय खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? ये है SBI. SBI के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है रजनीश कुमार. आज का 13th क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टूडेंट्स सोलर असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा IIT मुंबई में. आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया ओडिशा के चांदीपुर तट पर. इस मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है. तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.